माँ बेटे की दर्द भरी कहानी। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था और उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। काफी समय बाद एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है। वह गाड़ी रुकवाता है जानने के लिए जाता है कि वहां क्यों भीड़ लगी है। वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया धंस गई थी और तू अंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते।